हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ कक्षा सातवीं के पाठ रहीम के दोहे के अंतर्गत। रहीम के दोहे हम अलग अलग बार कई बार मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि रहीम के दोहे इससे पहले भी वीडियो में बना चुकी हूँ, परंतु हर क्लास में कुछ अलग अलग दोहों का संचयन होता है। एक दो दोहे जो हैं वह हर क्लास में अलग अलग भी होते हैं, इसीलिए आज जो मैं दोहे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वह कक्षा सातवीं के अंतर्गत हैं। रहीम दास जी के दोहे जीवन की हर परिस्थिति से जुड़े हुए होते हैं। रहीम जी के दोहों में हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए, उबरने के लिए सीख होती है। इन सीख से व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू से परिचित हो सकता है और जीवन की वास्तविकता को पहचान सकता है। रहीम के दोहों में प्रेम, त्याग और जीवन की महत्वपूर्ण मूलभूत बातों की शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रस्तुत दोहों के अंतर्गत रहीम जी ने जीवन में काम आने वाले दोहों के साथ साथ सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या गुणों को अपनाना चाहिए, लोगों को कैसे पहचानना चाहिए, इन सारी बातों का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। बहुत बार आपने ये दोहा सुना होगा। इस दोहे के अंतर्गत रहीम जी कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी किसी संपत्ति की तरह होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार संपत्ति को बहुत मेहनत करके कठिन परिश्रम से इकट्ठा किया जाता है, उसी तरह सगे संबंधी भी बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद ही बनते हैं। परंतु कौन सगा संबंधी हमारा सच्चा है, यह जानने के एक सूत्र बताते हुए रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जो कसे से साचे मीत। अर्थात जो विपत्ति की कसौटी में खरा उतरता है, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई, कोई विपत्ति आई और हमारे साथ खड़ा रहता है, वही व्यक्ति हमारा सच्चा मित्र होता है, वही व्यक्ति हमारा सच्चा रिश्तेदार अथवा सगा संबंधी होता है। यहाँ पर रहीम जी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहे, ना कि मुसीबत के वक्त हमें छोड़कर चला जाए। नेक्स्ट दोहा है, जाल पड़े जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। रहीम दास जी कहते हैं कि एक तरफा प्रेम हमेशा घातक होता है। उदाहरण देते हुए इस दोहे के अंतर्गत रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब किसी नदी में मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो जल उसी समय जाल से बहकर बाहर निकल जाता है, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, इसीलिए वह मछली को मुसीबत के वक्त त्याग देता है। परंतु मछली जो है वह पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, ईश्वर ने ऐसा ही निर्माण किया है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरह से प्रेम प्रदान करे। प्रेम देना और प्रेम पाना दोनों ही बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु एक तरफा प्रेम रखने से सदैव नुकसान होता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो बुरी से बुरी स्थिति में भी कभी आपका त्याग ना करे, अंत तक आपके लिए ही जिए और आपके लिए ही मरे। नेक्स्ट, तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपनी संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए उदाहरण देते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग भी
अपने द्वारा इकट्ठे किए हुए धन का अथवा वैभव का प्रयोग कभी भी अपने लिए नहीं करते। वे सदैव अपने धन को दूसरों के हित के लिए खर्च कर देते हैं। हमें भी अपने धन संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए, तभी समाज का चहुमुखी विकास संभव है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं परंतु उन बातों को जीवन में कभी भी अपनाते नहीं। नेक्स्ट दोहे के अंतर्गत रहीमदास जी कहते हैं, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरा धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे बादल क्वार के अर्थात अश्विनी महीने में ऐसे बादल आते हैं जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। जैसे बारिश और सर्दी के बीच का समय ऐसा समय होता है जब बादल तो बहुत होते हैं लेकिन वे बादल सिर्फ गरजते रहते हैं, बरसते नहीं हैं। तो उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि कंगाल व्यक्ति जो पहले बहुत अमीर था और अब वह अमीर व्यक्ति अब कंगाल हो गया है, तो उसके पास पिछली बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और कोई भी काम नहीं रहता और इस तरह की बड़ी बड़ी बातों का कोई मूल्य नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। कब रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि सही समय पर कोई यदि काम नहीं किया जाए तो उस काम का कोई मूल्य नहीं रहता। हमारा नेक्स्ट दोहा है, धरती किसी रीत है सीत धाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। सीत धाम ओ मेह, सर्दियां गर्मी, मेह यानी बादल बरसात। धरती का उदाहरण देते हुए रहीमदास जी धरती और हमारे शरीर की तुलना करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहनशीलता बिल्कुल धरती के समान है। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी और बरसात आदि सभी प्रकार के मौसम को झेल लेती है, सहन कर लेती है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी जीवन के आए हुए सुख दुख इत्यादि कष्टों को विपत्तियों को सहन कर लेता है और हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। हमें जीवन की किसी भी विपत्ति या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस तरह भगवान ने प्रकृति को सारे कष्ट मुसीबत सहन करने की शक्ति प्रदान की है, उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य को भी हर तरह का कष्ट झेलने की शक्ति प्रदान की है। अतः हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और कभी भी परिस्थितियों से डरकर भागना नहीं चाहिए। रहीमदास जी के द्वारा लिखा गया हर दोहा हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए बहुत सहायता प्रदान करता है। अतः मैं चाहूंगी कि हम सभी इनके दोहों को अपने जीवन में अपनाएं, न केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपितु एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए हमें इन दोहों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सदैव दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को दोहों का भावार्थ समझ में आया होगा। व्याख्या के लिए एवं अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करें और पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।